Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने topic start किया था MCB, miniature circuit breaker. Okay, तो miniature circuit breaker का basically construction कैसा होता है, miniature circuit breaker किस किस operating mechanism से वगैरह बना हुआ होता है वो हमने देखा था. सबसे पहला point था उसमें actuator level. Okay, then उसके बाद एक्चुएटर मैकेनिज्म से बना हुआ होता है, फिर कॉन्टैक्ट्स किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट्स का पर्पस क्या होता है, देन टर्मिनल्स, बायोमेटालिक स्ट्रिप, कैलिब्रेशन स्क्रू एंड सोलेनॉइड एंड आर्क डिवाइडर यानी कि आर्क एक्सटेंशन. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्शनल फीचर्स. सबसे पहला था उसमें हाउसिंग, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, ओके, देन नेक्स्ट वाज ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एंड माउंटिंग अरेंजमेंट्स. ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी कंस्ट्रक्शन में. तो अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका ये देखते हैं. ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट. ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट माउंटिंग अरेंजमेंट तक हो गया. कंस्ट्रक्शन में ही ये कंस्ट्रक्शन के फीचर्स में ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया गया है. तो ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज द फिक्स पॉइंट. ओके, फिफ्थ पॉइंट, सॉरी. अब हम देखते हैं, सॉरी, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग प्रिंसिपल. एमसीबी बेस्ड ऑन द थर्मल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी. क्या बोला है, एमसीबी एक थर्मल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे जो है बेस्ड होती है. पूरा का पूरा ये जो एमसीबी का स्ट्रक्चर होता है ये थर्मल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे जो है बेस्ड होता है. ठीक है, देन प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय कंबाइनिंग अ टेम्परेचर सेंसिटिव बायोमेटल. प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय कंबाइनिंग अ टेम्परेचर सेंसिटिव बायोमेटल यानी कि टेम्परेचर को सेंस करने वाला बहुत ही सेंसिटिव होता है यानी कि थोड़े से टेम्परेचर के डिफरेंस पे भी जो है ये बायोमेटल बायोमेटालिक एलिमेंट जो है वो सेंसिटिव होता है. ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है. एंड साथ ही साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है करंट सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के साथ, ठीक है, तो इससे इस कॉम्बिनेशन से जो है प्रोटेक्शन जो है हमारा प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, देन बोथ कंपोनेंट्स ट्रिगर मैकेनिज्म मैकेनिकली. तो ये किस तरीके से ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो है किस तरीके से ट्रिगरिंग करते हैं. ठीक है, यानी मैकेनिज्म जो है इनका वो मैकेनिकली करते हैं. ठीक है, मैकेनिकली, नॉट इलेक्ट्रिकली, नॉट इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, किस तरीके से करता है, मैकेनिकली करता है ट्रिगरिंग मैकेनिज्म. ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स का. देन है हमारी एमसीबी डिजाइन बेस्ड ऑन अ करंट लिमिटिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, एमसीबी डिजाइन जो है हमारी ये बेस्ड होती है करंट लिमिटिंग टेक्नोलॉजी पे. ठीक है, एमसीबी डिजाइन जो होती है हमारी ये बेस्ड होती है करंट लिमिटिंग टेक्नोलॉजी पे. कौन सी टेक्नोलॉजी पे, करंट लिमिटिंग यानी करंट को लिमिट करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर बेस्ड इसकी डिजाइन होती है एमसीबी की. पहले क्या बोला, एमसीबी बेस्ड ऑन थर्मल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी. पूरा का पूरा जो एमसीबी है, ठीक है, पूरा का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो थर्मल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है. एंड जो एमसीबी का डिजाइन है खास करके बोला गया है वो किस पे बेस्ड होता है, करंट को लिमिट करने वाली टेक्नोलॉजी पे. ओके, देन इट वर्क्स बाय वाइंडिंग लाइव वायर अराउंड अ पीस ऑफ आयरन. अब हमें सबको पता है कि अगर आयरन पे आयरन के किसी पीस पे अगर सपोज हम कोई वायर जो है लाइव वायर जो है अगर वाइंडिंग की तरह यानी कि वाउंड करें, ठीक है, तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है. दिस मेक्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, यहाँ पे लिखा भी है. तो ये जो है इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई लाइव वायर जो है हम किसी पीस आयरन के पीस पे अगर वाउंड करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग यहाँ पे बोला गया है वाउंड करते हैं, तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है. द बिगर द करंट लाइव द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या बोला गया है, जैसे ही लाइव में जो करंट है वो ज्यादा होता है, अगर सपोज करंट जो है वो लाइव वायर में ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. ओके, देन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज पोजिशन सो दैट इट पुल्स अगेंस्ट अ स्विच दैट कैन ब्रेक द सर्किट. क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस तरीके से पोजिशन किया जाता है सो दैट वो क्या करे, पुल करे अगेंस्ट अ स्विच. स्विच के जो अगेंस्ट है वो पुल करना शुरू कर दे ताकि जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो सके. ओके, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा पोजिशन किया जाता है. ठीक है,
देन द स्विच इज हेल्ड क्लोज्ड बाय अ स्प्रिंग. स्विच कैसे होल्ड किया जाता है, यानी हेल्ड किया जाता है क्लोज, ठीक है, कैसे, किसी मदद से, स्प्रिंग की मदद से, ठीक है. स्विच जो है स्प्रिंग की मदद से क्लोज रखा जाता है. इट्स डिजाइन सो दैट व्हेन द करंट इज बिगर देन सम प्रीसेट वैल्यू. इसका डिजाइन है जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है. इट्स डिजाइन सो दैट व्हेन द करंट इज बिगर देन प्रीसेट वैल्यू, ठीक है. इस तरीके से जो डिजाइन किया जाता है कि अगर सपोज हमारा जो करंट है वो प्रीसेट वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बिगर देन या फिर सेम, एक तो बड़ा हो जाता है या फिर उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है. तो अगर प्रीसेट वैल्यू के इक्वल अगर हमारा करंट हो जाता है से 20 एम्पीयर सपोज, ठीक है, द स्विच इज पुल्ड ओपन एंड द सर्किट ब्रोकर. तो अगर सपोज हमारी प्रीसेट वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है, प्रीसेट वैल्यू 20 है, ठीक है, एम्पीयर. तो अगर हमारा जो करंट है ये इससे ज्यादा हो गया, 20 एम्पीयर से ज्यादा हो गया या फिर इसके इक्वल हो गया सपोज, तो क्या हो जाता है, जो स्विच है ओपन हो जाता है, ठीक है, पुल्ड ओपन एंड द सर्किट इज ब्रोकन, यानी कि सर्किट जो है हमारा ब्रेक हो जाता है, ठीक है. तो ये है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, ठीक है. अब हम देखेंगे बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट एंड दिस इज द बैकअप प्रोटेक्शन, ओके. सो MCB are capable of handling fault levels of current up to 10,000 ampere. क्या बोला है, MCB जो होते हैं वो capable होते हैं fault current level को handle करने के, current के fault level को handle करने के, कहाँ तक, up to 10,000 ampere, ठीक है. 10,000 ampere तक का जो fault level current का होता है, तब उस तक MCB जो है वो कैपेबल होता है उसको झेलने के लिए, ओके. हाउएवर फॉर इंस्टॉलेशन वेयर द फॉल्ट करंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 10,000 एम्पीयर, क्या बोला है, जब तक, हाउएवर फॉर इंस्टॉलेशंस के लिए वेयर द फॉल्ट करंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 10,000 एम्पीयर, जब किसी इंस्टॉलेशन के लिए अगर हमारा फॉल्ट करंट ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 10,000 से ऊपर जा सकता है या फिर जाएगा, इतनी हमें पॉसिबिलिटी लगती है, तो ऐसे इंस्टॉलेशन पे क्या करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन करते हैं हम, ठीक है. बैकअप कैन बी अचीव्ड बाय, तो इस तरीके से जो इतना ज्यादा जो अगर फॉल्ट जाता है और हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि 10,000 एम्पीयर से भी अगर फॉल्ट आएगा, जितनी की हमारी एमसीबी कैपेबल है उससे भी ज्यादा अगर फॉल्ट आने के चांसेस लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैकअप करते हैं, ठीक है. और बैकअप कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग इंडो एशियन एचआरसी फ्यूज लिंक्स, ठीक है. तो इस तरीके से बैकअप जो है हम किस तरीके से अचीव करते हैं, बैकअप इंडो एशियन एचआरसी फ्यूज लाइक लिंक्स 100 एम्पीयर, ठीक है, जीजी टाइप फ्यूज लिंक. तो ये जीजी टाइप फ्यूज लिंक होती है, तो 100 एम्पीयर तक का इसका रेट होता है, ठीक है. तो इस तरीके से एचआरसी फ्यूज की हेल्प से जो है हम बैकअप को अचीव करते हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा बैकअप प्रोटेक्शन. अब हम देखेंगे सेवेंथ पॉइंट, दैट इज लो वैट लॉस, ठीक है, लो वैट लॉस. तो देखते हैं लो वैट लॉस कैसे होगा. MCBs have been designed to minimize energy loss through unique contact. क्या बोला है, MCB है. MCBs जो है वो design किए जाते हैं to minimize the energy loss through the unique contact configuration. ठीक है, तो इस तरीके से इनको design करना है ताकि जो loss है, energy loss है, ठीक है, जो unique contact configuration के through होता है वो कम हो, ठीक है, and reduction of hotspots, ठीक है, जो हॉटस्पॉट्स है उसका भी रिडक्शन हो, ठीक है. वैट लॉस पर पोल इन अ गोल्ड लाइन एमसीबी इज फार लोअर देन दैट स्पेसिफाइड इन IS 8828/1996/IEC-PUB 989/1995. तो ये जो रूल है ये IS के रूल्स है, यानी कि इंडियन सिस्टम के जो है रूल्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है. तो ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है. एंड रेटेड करंट जो है हमारा एम्पियर में, तो मैक्सिमम अलाउबल वैट लॉस जो कितना है, एमसीबी का मैक्सिमम वैट पर पोल एज पर लॉस पर पोल आईएस के रूल के हिसाब से, आईएस का रूल कौन सा है, 8828/1996 IEC-PUB 989/1995.
तो ये जो है, ये डाटा अगर आपको याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि वेट लो वैट लॉस जो है किसके लिए, यानी कि ये कैसे हम अचीव करें, ठीक है। तो इतना होना चाहिए बेसिकली, ये आपकी इंफॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है। तो एमसीबी को हमें किस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से हमें डिजाइन करना है कि उसका जो एनर्जी लॉस है, ठीक है, यूनिक कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के बीच और और जो हॉटस्पॉट्स है उसमें रिडक्शन हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 7th पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ द एमसीबी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला टाइप पॉइंट है, दैट इज बी टाइप, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेजिस्टिव लोड सच एज बल्ब्स हीटर्स एक्सेट्रा। तो एमसीबी के टाइप से ही है, ठीक है। तो एमसीबी जो होता है वो बी टाइप का एमसीबी जो होता है हमारा, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बी टाइप वाला एमसीबी जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड्स कौन से होंगे, बल्ब जो हो गया, हीटर्स हो गया, इस तरीके के जो है रेजिस्टिव लोड्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बी टाइप एमसीबी जो है यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट इज सी टाइप एमसीबी, ठीक है। तो सी टाइप एमसीबी किसके लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्टिव लोड्स सच एज मोटर्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। ओके, मोटर्स, एयर कंडीशनर जैसे इंडक्टिव लोड्स के लिए जो है हम सी टाइप वाला एमसीबी यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडक्टिव लोड्स। देन द नेक्स्ट इज डी टाइप, ठीक है, ये डी टाइप वाला एमसीबी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द केबल्स एंड हाईली इंडक्टिव लोड्स विच हैव हाई स्टार्टिंग करंट सच एज ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे इंडक्टिव लोड्स जो हाईली इंडक्टिव होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द केबल्स के लिए और हाईली इंडक्टिव लोड्स के लिए, ठीक है, केबल्स के लिए और हाईली इंडक्टिव लोड्स के लिए जो कि होते हैं, जिनका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर। तो ऐसे डिवाइसेस के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए जो है हम डी टाइप वाला एमसीबी जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड्स के लिए बी टाइप, इंडक्टिव लोड्स के लिए सी टाइप एंड केबल्स एंड हाईली इंडक्टिव लोड्स के लिए जो है डी टाइप वाला एमसीबी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।